हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 5/11 है, 5 नवंबर है, और जैसा मैंने आपको बताया था, पीसी ज्वेलर्स आज वापस रिव्यू लेके आया। आपको बताया था कि इसमें आपको बाय देखने को मिलेगा, तो बाय सिग्नल मिला आज। कल भी 27% अप था और वो 88 पे क्लोजिंग दिया था, तो आज देखेंगे उसने हाई 100 का बनाया। और मैंने आपको बताया था 105 108 पे उसका रेसिस्टेंस है, आप कल के वीडियो को जाके देख सकते हैं। वो उस पर इतनी जल्दी क्रॉस नहीं करेगा और ऐसा कुछ भी उसमें नहीं होने को आ रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है। आप समझिए, जब 1 करोड़ 2 करोड़ शेयर की ट्रेडिंग हो रही है, एवरेज ट्रेडिंग 3 करोड़ 4 करोड़ की हो रही है, उसके बावजूद इसकी डिलीवरी परसेंटेज अगर 5-6% है, आज की परसेंटेज 6 और लोएस्ट है, तो लोग इसको बाइंग के लिए कोई पोजिशनल बेसिस पे होल्डिंग नहीं करना चाह रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे सेंटीमीटर इसका 75% है। इसकी ब्लॉक डील भी हुई है, आप देखिए ब्लॉक डील आज भी है, इस पर 9170 पे ब्लॉक डील हुई है। इतने एफर्म के बाद मैं फिर भी अभी श्योर हूँ कि अभी ये 105 इतना जल्दी क्रॉस नहीं करेगा। ये वापस अपने एक बार बॉटम नीचे जाएगा 70 के आसपास, 70 के पास से हो सकता है अगर वहाँ से फिर से पोजीशन बढ़े, आपको डिलीवरी परसेंटेज बाय दिखने लगे, तो आप वहाँ से एक ट्रेंड बन सकता है इसको ऊपर जाने का। तो अभी भी आप इस पर बाइंग नहीं करें, अभी भी मैं आपको आपको आपके वेल्थ को अगर आपने प्रोटेक्ट कर लिया तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई प्रॉफिट में है तो आप इस पे बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अब आपको चलिए हम आज के इसके चार्ट को दिखाते हैं। आज जब आप देखेंगे इसके चार्ट को देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ आपको तो ये देख ही लिया आपने कि कल की क्लोजिंग 88 थी और फिर ये ओपन 191 पे और उसके बाद ये हाई 100 का बनाया, तो आज का जो हाई बनाया 100 का बनाया, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे लास्ट आवर में क्या बताता है, ये क्या चार्ट क्या बताना चाह रहा है। ये यहाँ पे देखेंगे जब ये हाई 99 का बनाया था 5/11 को, आज जब ओपन होकर के 91 पे ओपन होकर के 99 का हाई बनाया था, उसके बाद देखिए एक यहाँ पे एक चार्ट ये ऊपर की ओर जाने के लिए कोशिश कर रहा था, तो फिर भी यहाँ पे इसको सेलिंग प्रेशर यहाँ से चालू हो गया, और सेलिंग प्रेशर ऐसा चालू हुआ कि यहाँ पे जाकर के रेड कैंडल जनरेट हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बेरिश रिवर्सल शो तो कर रहा है, बेरिश रिवर्सल मीडियम टर्म का, लेकिन इसको रिवर्सल बता रहा है। ये जो यहाँ पे गैप किया इसको कवर करते हुए ये नीचे की ओर आ रहा है। अब देखिए छोटा सा बना था यहाँ पे, जो इसके एरिया देखेंगे विक्स को छोड़ दीजिए तो यहाँ पे छोटा बना, अब यहाँ पे ये फॉल करना चालू किया और यहाँ पे फिर भी यहाँ पे 10:30 तक उसने मेंटेन किया। यहाँ के बाद आप देखेंगे तो यहाँ वापस आपको देखेंगे 11:30 बजे के आसपास देखिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक फॉल आपको दिखाया है और यहाँ पे नीचे की ओर जाने के लिए एक इसने विक्स तो बना लिया, कमजोर तो दिखा दिया। इसके बाद एक कोशिश किया इसको, लेकिन आप देखिए इसको जो कवर किया यहाँ पे इसको खा गया, इस बैलेंस को यहाँ कवर कर लिया, इसको कवर करके ऊपर उठने की कोशिश की, उठने नहीं दिया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक वापस एक कोशिश की, यहाँ पे फिर से कोशिश की और वापस 99.20 का हाई बनाया, लेकिन इसके बाद मतलब कि 12:30 के बाद कोई ऑप्शन नहीं चल पाया इसने, और जो भी गेन इसने लिया था यहाँ से इसको कवर करते हुए यहाँ पे लॉस कर दिया। और आप देखेंगे यहाँ पे तो फिर इसने 90 का लो बना दिया यहाँ पे सारे कवर को ख़त्म करते हुए, और उसके बाद एक इनडिसिसिव डिसीजन इसके नीचे बनाया, इसकी क्लोजिंग देखेंगे लो 90 है तो इसके नीचे चालू किया और अब यहाँ पे 90 पे स्ट्रगल करने लगा और 93 के आसपास इसको कवर करके ऊपर लेके जाने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी बहुत ऊपर ले जा नहीं लेके जा पाया। और इसकी जो क्लोजिंग 94.85 थी उसके क्लोजिंग के आसपास जाकर के वहाँ 94.40 के आसपास यहाँ इसकी क्लोजिंग के आसपास जाकर के 2:30 में ख़त्म करने की कोशिश की। यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग चालू होगी जिसने शॉर्ट आउट किया होगा, और यहाँ 3:30 के आसपास देखें तो यहाँ पे एज इट इज़ मार्केट ने कोई डिसीजन नहीं दिया, लेकिन इस डिसीजन के बाद अगर इनडिसिसिव डिसीजन बना है तो ऐसा फील हो रहा है कि इसके बाद जो बनेगा वो रेड कैंडल ही बनेगा। तो रेड कैंडल अगर बनता है तो कल आपको हो सकता है मार्केट थोड़ा डाउन होके ही खुले, अप होगा होने का चांस कम दिखता है, और डाउनवर्ड साइड में खुले चले कोई बात नहीं, डाउनवर्ड नहीं भी खुले तो 105 तो क्रॉस नहीं करने वाला है, अभी तो नहीं करने वाला, और अगर करता है तो फिर 139, अगर 108 क्रॉस करता है तो आपका नया तारा 139 का खुल जाएगा, तो 139 के लिए ट्रेड कीजिएगा, कोई बात नहीं है। ये अपना मेरा ओपिनियन था कि ये यहाँ से इस चार्ट से जो दिख रहा है, यहाँ से इनडिसिसिव डिसीजन का चार्ट है, आप देखेंगे तो जो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो बीच में ये मिडिल साइड में है, तो यहाँ से एक इनडिसिसिव डिसीजन का सिग्नल है, और यहाँ के बाद इसने एज इट इज इसको 94.40 था क्लोजिंग और 94.45 के आसपास
5 पैसे में इसको घुमाते रहा। 2:30 बजे के बाद ये पूरा 1 घंटा जो रहता है ये इसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो ये डिसीजन इनडिसिजिव डिसीजन का लोगों को फंसाने की कोशिश में रखा, लेकिन कल आप देखेंगे हो सकता है गैप अप हो और डाउनवर्ड्स हो और ये जो भी कवर अभी तक किया था उसको कवर करके ख़त्म करने की कोशिश करेगा। और जो मैंने आपको बताया था ये गैप अप जो आपको बताया था यहाँ पे देखिए 6960, मैं इसको अगर एक बार इसको इसे हॉरिजॉन्टल लाइन से कोशिश करता हूँ इसको दिखाने का, ये देखिए ये लाइन जो मैंने आपको बोला था 6964 यहाँ से, और जो इसके बीच में गैप अप है ये गैप अप, एक मिनट, ये देखिए ये जो गैप अप है ये 761, ये जो गैप अप है इसको भरने के लिए हो सकता है वो वापस आएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो आपको अप ट्रेंड दिख रहा है ऐसा नहीं है कि ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और ये अब आज भी इसने गैप अप करके ही लिया है तो 88 के बाद 91 का ले लिया है, तो ये गैप अप लिया कोई बात नहीं है, तो इसको फॉल करते 88। अभी आप समझिए अगर आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है तो आप 88 का इसका जो ये है 87 86 85 का या 88 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, अगर ये नीचे जाएगा तो नीचे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 76 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, उसके बाद 69, तो आप चाहें तो इसको 87 85 का एक बार लोएस्ट लगा लीजिए, 85 का रेजिस्टेंस लेवल लगा करके आप स्टॉप लॉस लगा करके इसको वॉच में रखिए अगर आपको पोजीशन ऊपर की ओर लेके जाना है तो, और आपको लगता है ये बाय पोजीशन पे है प्रॉफिट कमाना है तो आप 87 88 का स्टॉप लॉस लगा करके बाय पोजीशन में वेट कर सकते हैं। अगर ये टूटता है तो आपको फिर नीचे दिखेगा जो 75 76 तक जा सकता है, और यहाँ से फॉल करेगा तो इस गैप अप को तो इसको भरने आना ही है, तो वो भरने आएगा उस समय यहाँ पे 70 पे बाय आपको दिख सकती हो सकती है, और नहीं तो यहाँ पे तो न्यूट्रल पोजीशन बना ही है, आकर के यहाँ स्टेबल होगा ही 58 के आसपास, और ये जो लो बनाया 48 वहाँ तक, तो अभी कम उसके हो सकता है यहाँ पे भी आए, देखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको जेट एयरवेज के लिए कल बोला था, आज आप देखिए कल 229 पे था, उसी समय मैंने आपको बताया था कि इसका अमेरिका की एक कंपनी है जो इसको बाय करना चाहती है, और अगर ये बाय करती है पोजीशन को बाय करती है तो इसका अच्छा खासा पोजीशन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था तो ये देखिए आज अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ 251 कर क्रॉस कर रहा है, और अगर ये मैंने आपको बताया कि 253 क्रॉस करेगा तो ये नए हाई को वापस 275 280 285 तक जा सकता है, तो मेरे अंदाज से कल ये आपको हो सकता है क्योंकि एकदम नेक लेवल पे जाकर के खड़ा होकर के अपनी क्लोजिंग दिया है, और लास्ट जो बनाया लो बनाया है 250 हाई, इसका जो हाई बनाया 254 और 251 पे क्लोजिंग दिया है, तो मुझे बिलीव है ये कल आपको 250 प्लस ही दिखाएगा, अपवर्ड साइड ही दिखाएगा, और आपको कमिंग डेज में ये 275 285 का लेवल दिखाएगा आपको। कल आपको इसका 265 मिलेगा, फिर 275 और हो सकता है फिर 285, और अगर 285 290 क्रॉस करेगा तो 300 प्लस आपको देखने को मिलेगा, और जैसा कि मैंने आपको बोला था 350, अगर कोई इंटरनल न्यूज आपको जैसे पब्लिश होगी ये 350 जाने में इसको देर नहीं लगेगा। अभी भी कोई भी चाहे तो 250 का कॉल जेट एयरवेज का लेकर के दिसंबर का कॉल वेट कर सकते हैं, अगर वो रिस्की ट्रेडर हैं तो पोजिशन पेपर ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं। अब चलिए बैंकिज में आपको मैंने बाय पोजिशन दी थी और बोला था कि 3000 प्लस का पोजिशन बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी इसको होल्ड रखिए। एक बार आज क्या किया 2954 पे जाकर के प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दिया, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होने को है, ये ऊपर जाएगा ही जाएगा और आराम से जाएगा। आपको क्या स्टॉक यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आप चार्ट पे देखेंगे तो चूंकि यहाँ पे एक बार 2212 के पास गैप अप था तो वहाँ हो सकता है ये वहाँ तक जाए, और लेकिन वापस ऊपर अपवर्ड लेगा, और चूंकि मैंने आपको बताया था एक बॉटम दो बॉटम और तीसरा बॉटम ये फॉर्म कर रहा है, तो ये कैंडल और भी अच्छा फॉर्म कर रहा है, और भी श्योरिटी हो गई इसको 4000 जाने का, तो और भी श्योर होगा लोगों को यहाँ पे ट्रैप करके, जो भी देखिए ये इनगल्फिंग है, इनगल्फिंग बनाया है, पूरे इनगल्फ कर गया है, जितने भी गेन थे ना आप यहाँ पे समझिए, जितने भी गेन यहाँ से लेकर के बैठे थे अब लोग यहाँ से 15-10 से सबको एक साथ खा गए, इनगल्फ कर गए, तो इनगल्फिंग कैंडल बना करके इसने आज सारे प्रॉफिट को खत्म कर दिया, ऊपर भी चला गया, आज का हाई भी बना दिया इसने 2953, ऊपर भी गया, ऊपर जा करके फिर नीचे प्रॉफिट, तो जिसने ऊपर में प्रॉफिट बुक कर लिया होगा अच्छा है, 3000 पे रेसिस्टेंस था उसको 3100 पे रेसिस्टेंस था, तो जिसने वहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो ये गैप अप बता रहा हूँ आपको 2236 इसको नहीं तोड़ेगा ये, और ऐसे भी आप अपने ऐसे भी देखिएगा तो जो ये लो बनाया था या बनाया था उसके लो 2085 का, और उसके बाद जो लो बनाया था 2288 का, तो ये 200 रुपये आगे बढ़ाए तो 2400 2300 रुपया दिखाता ही है,
तो 2400 रुपया तो इतना इजी नहीं है तोड़ना। तो कल का आज का जो लो बना है इसने 2365, ये बहुत बड़ा लो हो चुका। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई लो बनेगा, लो बनेगा भी तो ये जो है 2217, इससे नीचे नहीं जाएगा आपको, और यहाँ से अपवर्ड ले लेगा। और इसका सपोर्ट अब नीरेस्ट ही समझिए, ये भी कैसे भी करके यहाँ पे भी नहीं तोड़ेगा, यहाँ से भी गया था तो 2000 के आसपास से ऊपर चला गया था, तो ये अपने नियर सपोर्ट लेवल इस पे है, सपोर्ट पे है कि अपना ये जो सपोर्ट है इसको नहीं तोड़ेगा भी, दो चाहे 2200 का हो, मेरे को अंदाज से तो ये 2200 का ही सपोर्ट नहीं तोड़ेगा, ये मेरा अपना व्यू है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही बात कर सकते हैं। तो मेरा जो अपना व्यू है पेपर ट्रेडिंग के लिए, आप इसको 2200 रुपया 2222 का स्टॉप लॉस लगा के रखें, यहाँ से जाएगा तो ठीक है 2000, और 2000 के बाद 1800 भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो भी है, मैं अभी भी निगेटिव नहीं हूँ बैंकिंग के लिए, मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ, और आपको भी बोलता हूँ कि इसको बाय करके रखिए, आपको इससे अच्छा गेन कोई भी नहीं देगा, इससे अच्छा गेन आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में। 3 महीने के अंदर ये आपको 4000 उससे पहले दिखा सकता है, उससे बाद में नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा है। आज जिसने भी वॉल्यूम के साथ प्रॉफिट बुकिंग की है, कोई बात नहीं, कोई डर नहीं है, इससे आप बुकिंग कीजिए। पीसी ज्वेलर्स, मैं वापस पीसी ज्वेलर्स पे आ जाता हूँ। पीसी ज्वेलर्स का ही रिव्यू था मैंने, ये था तो आपको जैसा मैंने बताया था उसके अनुसार ये गिरा है उतना, वहाँ तो जाकर के उसने, जिसने भी आज मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे जिसने इस पोजीशन बनाई थी, उन्होंने 98-97 में अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, और आज अच्छी खासी उन्होंने फ्यूचर में कमाई की, क्योंकि उन्होंने सैटरडे को बाय किया था और आज इसको 97-98 पे बाहर निकल गए थे, तो आज अच्छा खासा उन्होंने 12-15 रुपये की कमाई की है। तो कोई बात नहीं, सैटरडे को भी उन्होंने किया था और इसमें भी किया था पोजीशन बना करके। आप ऐसे ही देख इसको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, और इसके बारे में जैसे आपको स्टॉप लॉस दे दिया गया है उस स्टॉप लॉस को आप वेट कीजिए। ये जो स्टॉप लॉस आपको दिया हुआ है यहाँ पे, इसको स्टॉप लॉस लेकर के आप काम कर सकते हैं। 87-88 के आसपास जो आपको बताया गया वहाँ पे लेकर के आप वेट कर सकते हैं, अगर आपको ऊपर साइड की इच्छा है, और नहीं तो आप इसमें पुट पे देख सकते हैं, पुट की ओर भी पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे दिए हुए बटन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लोगों को फॉरवर्ड करें, अच्छा लगेगा, और हम अपडेट आपको डेली देते ही रहेंगे। जो भी मैंने अपने वीडियोस को दिया है उस पर अपडेट आपको श्योर 100% देते रहूँगा। और आप देखिए, अगर कोई एक दिन में अगर आपको यहां से 20-20 पॉइंट का गेन मिलता है, जेट एयरवेज में देखिए 22 पॉइंट का गेन मिलता है, तो मुझे लगता है कि इस चैनल पे जो व्यू है आपका बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए, व्यू तो आपका रहेगा, निगेटिव भी हो सकता है, आपके कमेंट भी अच्छे हैं, आप कमेंट करें, अच्छा लगता है देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।